बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको खोया क्रीमी सैलड बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। सेब 2 कप। सेब को पहले मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, उसके बाद मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिए। केले 1 कप, खरबूजा 1 कप, स्ट्रॉबेरी 1/2 कप। खरबूजा और स्ट्रॉबेरी इसके अंदर एडिशनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। खोया 1 कप। मेवे 15 से 20 अदद। 15 से 20 बादाम लेकर मैंने इसे ब्रिक स्लाइस में कट कर लिए। खजूर 7 से 8 अदद, इसे मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक पैकेट क्रीम ऐड करूँगी इसके अंदर। अशरफियाँ 2 से 3 टेबलस्पून। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जो है मैं जस्ट टॉपिंग के लिए ऐड करूँगी, अगर इसको मैं चाट के अंदर ऐड करूँगी तो बिल्कुल रेडिश चाट बन जाएगी। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैं सेब ऐड करूँगी, उसके बाद केले ऐड करूँगी, खरबूजा ऐड करूँगी, साथ ही इसमें खजूर ऐड करूंगी। इसमें 1/2 खजूरें ऐड करूंगी, बाकी मैं टॉपिंग के लिए रख लूंगी। अब इसमें मेवे ऐड कर दें। अशरफियाँ ऐड कर दें। अब इसमें बादाम ऐड कर दें। अब इसमें क्रीम ऐड कर दें। अब इसे मिक्स कर लें। अब इसमें खोया ऐड कर दें। क्रीमी सैलेड बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। व्यूवर्स, आज की रेसिपी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल बटन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आइंदा तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक आसानी से पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।